फरीदाबाद के डॉक्टर सुजाय भट्टाचार्य जो पिछले 20 सालों से हिप और नी रिप्लेसमेंट के क्षेत्र में करीब 10,000 से ज्यादा मरीजों का सफल इलाज कर चुके हैं को एक और नई उपलब्धि हासिल हुई है। हाल ही में उन्हें यूरोप में आयोजित बाई ईयरली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में वरिष्ठ फैकल्टी के रूप में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने हिप और नी रिप्लेसमेंट के बारे में इटली, स्पेन, हंगरी, स्लावोनिया, मोंटेनेग्रो और जर्मनी के वरिष्ठ डॉक्टरों को जानकारी दी। इस सम्मेलन में अनेक देशों के डेलीगेट्स के साथ साथ सर्बिया के हेल्थ मिनिस्टर ने भी हिस्सा लिया। वे डॉक्टर सुजाय भट्टाचार्य की काबिलियत से काफी खुश हुए और उन्होंने डॉक्टर सुजाय भट्टाचार्य को सर्बिया और बेलग्रेड के यूनिवर्सल अस्पतालों में 6 महीनों तक सर्जरी करने का लाइसेंस भी दे दिया। मैं डॉक्टर सुजय कुमार भट्टाचार्य हूँ। मैं डायरेक्टर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मेट्रो हॉस्पिटल फरीदाबाद के हूँ। मेरे को अभी रिसेंटली मेरे को सर्बिया जो कि ईस्टर्न यूरोप की कंट्री है वहाँ पे मेरे को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मेरे को एज ए नेशनल गेस्ट फैकल्टी बुलाया गया था मेरे को वहाँ पे, और मेरे को वहाँ पे 2 सर्जरी ठीक है जॉइंट टोटल नी रिप्लेसमेंट करने के लिए बुलाया था। तो हमने वहाँ पे जाके जो हमने टोटल नी रिप्लेसमेंट 2 किए, हमने दोनों ही यूरोपियन पेशेंट्स था, और ये 2 सर्जरी को वहाँ पे मेन कॉन्फ्रेंस में लाइव टेलीकास्ट करके दिखाया गया। तो बेसिकली जो होता है जो मेरा टेक्निक है इसको वजह से पहले से ही वहाँ पे एक दो डॉक्टर को पता था, जिसको वजह से हमें वहाँ पे 2 सर्जरी करने का हमें परमिशन मिला है। और वहाँ पे जो उस समय वहाँ पे सर्बिया का जो चीफ हेल्थ मिनिस्टर वहाँ पे मौजूद थे, और उन्होंने मेरे को आगे चल के 6 महीने का लाइसेंस दिया है जो मैं सर्बिया का बेलग्रेड यूनिवर्सिटी और नीज यूनिवर्सिटीज में मेरे को आगे चल के ऑपरेशन करना है। और दूसरी बात है जो मेरा टेक्निक है इसी टेक्निक का उनको बहुत अच्छा लगा उनका, कहीं इसमें जो खासियत है हमने वहाँ पे बिना टूनी के मतलब खून के द्वारा बंद करके ऑपरेट करते हैं, और छोटे छोटे एक दो टेक्निकल वहाँ पे वेरिएबिलिटीज है जो बहुत कम सर्जन करते हैं, इसको वजह से हमने वहाँ पे इतना हमारा जो टेक्निक है उसको उनको अच्छा लगा, और हमें आगे चल के भी हमें उनको और भी सर्जरी करने का मेरे को मौका दिया गया।